प्रभु आपको भी आशीषित करेगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको भी बढ़ाएगा, इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। काफी लंबे समय से प्रभु जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें संतान देकर ब्लेस करें परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने लाइफ में अकेले पड़ गए हों, आप निराश हो गए हों, आप दुखी हो गए हों, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, परेशानियां हों, मानो आप एक खंडहर के समान वहां पर पड़े हुए हों, मानो आपके जीवन में कोई आशा नहीं, बस निराशा ही निराशा है, मानो जैसे बांझपन आपके जीवन में हो। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है जिस प्रकार वो यरूशलेम के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन यरूशलेम के लिए कहता है कि यरूशलेम के लिए तो आशा है, क्योंकि यरूशलेम की स्थिति भी ठीक ऐसी थी। जब यरूशलेम के लोग बंधुआई में चले गए तो मानो वहां पर खंडहर जैसा माहौल हो गया, मानो वहां पर बांझपन जैसा माहौल हो गया। सभी लोग निराशा में है, उदासी में है, परेशानियों में है, समस्याओं में है, और तब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा। यसाई की किताब उसका 51:2, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो, जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसे बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यरूशलेम के लोगों के लिए कहता है कि अपने मूल पुरुष अब्राहम पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, उस सारा पर ध्यान करो कि जब मैंने उन्हें बुलाया तो वे अकेले थे। यदि आप एक पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, हे यहुआ पर भरोसा रखने वाले लोगों, हे यहुआ को ढूंढने वाले लोगों, तुम अपने मूल पुरुष अब्राहम पर ध्यान करो, उस सारा पर ध्यान करो, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तो वे अकेले थे। दूसरे शब्दों में कि जब मैंने उन्हें बुलाया तो उनके जीवन में बांझपन था, जब मैंने उन्हें बुलाया तो वे निराशा में थे, वे समस्याओं में थे, वे चिंता में थे, वे परेशानी में थे, वे अकेले थे, परंतु मैंने उन्हें बुलाया। उस अकेली परिस्थिति से, उस बांझपन से, उस निराशा के समय में मैंने उन्हें बुलाया, और बुलाकर क्या किया, आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उन्हें आशीषित किया, मैंने उनके जीवन को आशीषित किया, और आशीषित नहीं, मैंने उन्हें बढ़ाया, मैंने उन्हें उनके जीवन में बढ़ाया, मैंने उन्हें जनसंख्या में बढ़ाया, मैंने उन्हें आशीषित किया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तब वो दोनों बांझ थे, उनके कोई भी संतान न थी, वे अकेले थे, वे शायद निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, परंतु जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तब परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और उन्हें बहुत अधिक बढ़ा दिया, यहां तक कि पूरा देश उनके द्वारा पैदा हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपसे भी बातचीत करता है। हो सकता है आप भी निराशा में हो, समस्याओं में हो, परेशानियों में हो, या फिर आप भी अकेले पड़ गए हो, या फिर हो सकता है वो बांझपन जैसा आप महसूस कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब ही यही है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को आशीषित किया, अब्राहम को आशीषित किया उसकी समस्याओं को दूर करके, उसके जीवन को आशीषित किया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी आशीषित करेगा और आपको भी आगे बढ़ाएगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको भी बढ़ाएगा, इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान करना है अब्राहम और सारा के जीवन पर कि जब हमारा परमेश्वर उस दंपत्ति को जो बांझ थे, जब उनको आशीष दे सकता है और उन्हें इतनी आशीष दे सकता है कि उनके द्वारा पूरे देश को पैदा कर सकता है, तो परमेश्वर आपकी भी परिस्थिति को बदल सकता है और आपके द्वारा भी परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, आपको भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है और आपके जीवन से भी प्रभु बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है, आपके जीवन की उस समस्या को, उस निराशा को, उस बांझपन को परमेश्वर दूर कर सकता है और आपके
जीवन को आशीषित कर सकता है। आपको इस बात पर भरोसा रखना है। परंतु यहीं पर हमारे लोग धोखा खा जाते हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने पास बुलाते हैं तो उनकी स्थिति वास्तव में निराशाजनक होती है, लेकिन जब वो उसमें बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं परंतु कुछ नहीं हो रहा, हमारी परिस्थिति तो वैसे की वैसी ही है। ये फिर अनेक प्रकार की बातें वो सोचने लगते हैं, वो प्रभु पर नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देने लगते हैं, और जिस कारण से वो अपने जीवन की आशीषों को खो देते हैं। परंतु यहां पर आपको चाहिए कि आप धीरज से उसकी बाट को जोहते रहें, उस समय का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो अपने वादे को पूरा करने वाला है, क्योंकि जैसे उसने अब्राहम के जीवन में किया, अब्राहम के जीवन में भी एक दिन में नहीं हुआ लेकिन समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया, इसी प्रकार से वो आज भी अपने वचनों को पूरा करता है। हो सकता है आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, यदि आप धीरज रखेंगे, यदि आप उसकी बाट जोएंगे, तो आप बहुत जल्द प्रभु के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे। उन आशीषों को जो अब्राहम ने देखी, आप अपने जीवन में देखोगे। उस सफलता को, उस आगे बढ़ने को आप अपने जीवन में देखोगे। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस गवाही पर जो अब्राहम सारा की है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब मेरा प्रभु इनको आशीषित कर सकता है, इनको बढ़ा सकता है, तो मेरा प्रभु मुझे भी आशीषित कर सकता है, मुझे भी बढ़ा सकता है, मेरी निराशा को भी दूर कर सकता है, मेरी चिंता को भी दूर कर सकता है, मेरी बीमारी को भी दूर कर सकता है। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो प्रभु निश्चय आपको भी आशीषित करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन यरूशलेम के लिए आज कह रहा है कि तू उन बातों पर ध्यान दे, उसी प्रकार से दोस्तों आप भी इन बातों पर ध्यान दें। निराशा की ओर न देखें, प्रभु की ओर देखें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं अमृता सिस्टर का, पीके भाई का। मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना रिपोर्ट भेजी थी कि उसका फेस सुन हो रहा था। आज मेरा बेटा उनकी प्रार्थना के द्वारा स्वस्थ है, चंगा है और अच्छा हो गया है। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके पूरी कलीसिया के लिए कि उन्होंने हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करी, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करी। हम प्रार्थना करते हैं उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए और उनकी मिनिस्ट्री खूब ऊँची उठे। प्यारे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए आज की सुंदर शाम में हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि दिन भर में प्रभु तूने सुरक्षित रखा, खौफ कतरों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु, और सेफली प्रभु यीशु मसीह आज हम सबको रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ की सुरक्षा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद कर रहा है, और प्रभु जो भी आज के दिन में प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपने किए प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। आज बहुत से भाई बहन हैं जो चिंता, दुख, बीमारी, परेशानी, संकट, मुसीबत में आए हैं प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि आज की शाम में आप उनकी सुधि ले यीशु, आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें, आज उनकी समस्याओं का समाधान आप करें प्रभु। पिता धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन के अनुसार प्रभु तू हमारे मध्य आज की शाम में उपस्थित है। आज दुनिया की छोर से प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना में सहभागी हैं, यीशु आप उन्हें आशीष दें प्रभु, आपकी उपस्थिति को प्रभु यीशु वो अपने साथ महसूस करें। यदि वो एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, यदि फैमिली के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं यीशु, वहीं आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो, और जो भी समस्या लेकर वो आए हैं प्रभु, आज उसका
समाधान हो। पिता पवित्र आत्मा, आप इनके मन को एकाग्र होने में सहायता करें। हर एक भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं लॉर्ड। हर एक के ऊपर आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते जो वचन आज की शाम में आपने हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा है। ये बीज प्रभु यीशु, वचन रूपी बीज जो बोया है यीशु, आपके लोगों ने सुना प्रभु जी, उसे ग्रहण किया प्रभु, ये इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी अब्राहम और सारा को प्रभु उनकी विपरीत परिस्थिति में, उनके बांझपन में प्रभु, उनके अकेलेपन में परमेश्वर तूने बुलाकर उन्हें आशीष दी और बढ़ाया, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु, तेरे बेटे बेटियां जो तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु, जो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं प्रभु, यदि आज उनकी परिस्थिति मानो इसी प्रकार है कि वो अकेलापन महसूस कर रहे प्रभु, यदि उनके जीवन में प्रभु कोई भी आशीष नहीं प्रभु, वो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में बढ़ नहीं पाए हैं परमेश्वर, और प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी किसी भी बात की घटी है प्रभु जी, यदि उनके जीवन में बांझपन है प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उस वचन के अनुसार जो वचन आपने अपने लोगों तक पहुंचाया है, आपने उनसे बातचीत किया है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप इनको इनके जॉब के क्षेत्र में बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह, इनके अकेलेपन को दूर करके प्रभु इन्हें आशीषित करें परमेश्वर, इनकी दुख बीमारियों को दूर करके प्रभु आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, और प्रभु विशेषकर प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनके जीवन में परमेश्वर बच्चे की आशीष नहीं है, मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु उस घराने में प्रभु आप बच्चे की आशीष दे। काफी लंबे समय से प्रभु जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें संतान देकर ब्लेस करें परमेश्वर पिता। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी नेगेटिव बातें हैं प्रभु जी, यदि नकारात्मक बातें हैं यीशु के नाम से उन्हें दूर करते प्रभु, हम पॉजिटिविटी को उनके जीवन के लिए मांगते हैं और कहते प्रभु यीशु तेरे नाम से इनके जीवन में सारी बातें इनके लिए भलाई उत्पन्न करे पिता। प्रार्थना करते प्रभु जो भाई बहन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे प्रभु, जिनका कोई भी सहारा नहीं प्रभु, उनके अकेलेपन को दूर करे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु इनकी सहायता करे प्रभु, इन्हें आशीषित करे। यदि आज तक प्रभु ये किसी भी क्षेत्र में बढ़ नहीं पाए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि आप इन्हें सफल करें, आप इन्हें बढ़ाएं उस क्षेत्र में जहां पर ये बढ़ना चाहते हैं, जहां पर ये परिश्रम कर रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर आप इन्हें आशीषित करें और इन्हें बढ़ाएं। इनके परिवार में इन्हें आशीषित करें, इनके घर घराने में आप इन्हें आशीषित करें, इनके अन्य क्षेत्रों में आप इन्हें आशीषित करें प्रभु, क्योंकि प्रभु अब्राहम की आशीष प्रभु आपने हम सबको दी है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छे स्वास्थ्य की आशीष आप इन्हें दे प्रभु, आप इन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखें यीशु। मैं दुआ करती हूँ जो बीमारी में है, रोग में है, दर्द में है, पीड़ा में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके दर्द को, उनके रोग को, उनकी बीमारियों को, उनके घावों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं और कहते प्रभु तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरी अद्भुत बातें इनके जीवन में कार्य करे, और प्रभु ये भले चंगे और स्वस्थ होकर तेरी महिमा करे। आज रात में चाहते प्रभु इनके डर को दूर कर प्रभु, इनके बुरे सपने को दूर कर प्रभु, नींद आने की समस्या को दूर कर प्रभु, और सुख भरी नींद देकर प्रभु ये नया दिन जब तेरे साथ में देखे तो बारंबार प्रभु तुझे धन्य कहे और तेरे नाम की बड़ाई करे, क्योंकि प्रभु तू बढ़ाने वाला और आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु। जो भी आशीषों के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी बढ़ने के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, इन्हें उनके क्षेत्र में बढ़ाएं, इन्हें आशीषित करें, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके काम के क्षेत्र को, इनको अन्य क्षेत्रों में परमेश्वर आप बढ़ाएं और आशीषित करें। धन्यवाद करते पिता, आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु। इस शाम में प्रभु जितने लोग प्रभु विनती प्रार्थना निवेदन प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में दिए हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कॉल के माध्यम से परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में इसी समय कार्य करें। वो जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर, वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इनके परिवार के कलेशों को दूर करें, इनके परिवारों में शांति दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने कहा कि यरूशलेम के लिए ये शांतिदायक वाचा है, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके लोगों के लिए भी प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं, उनके परिवारों में, उनके जीवन में आप शांति देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं पिता, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।